फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित बलदेव रोड की है, जहां देर शाम एक ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। आग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड पुलिस को दी। सूचना के बाद थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाया। इस दौरान टुंडला नगर की विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई। वही सूचना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। देखिए फिरोजाबाद से प्रिंस कुशवाहा की खास खबर। क्या नाम है? अनुराग श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हो? बलदेव रोड। अभी यहाँ पे जो भीड़ भाड़ लगी है, क्या मामला पूरा? ये यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर आए दिन खराब होता रहता है, कई बार पहले बदला भी जा चुका है और अभी एकदम काफी दिन में भी दो बार शॉर्ट सर्किट हुआ। अभी भी इसमें काफी तेजी से आग लगी और काफी भयंकर रूप से आग लगी। जब काफी पुलिस फोर्स भी एकत्रित हो गया, उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। हमने अपने माननीय सभासद जी को भी बुलाया, इनके द्वारा सूचित किया गया, फायर ब्रिगेड यहाँ पे आया, तब आग पे काबू पाया गया और अभी बत्ती विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी गई है। काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं और कुछ कोविड का कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है। विद्युत विभाग से निवेदन है, कृपया इस ओर ध्यान दें। जिस हिसाब से बिजली के बिल देते हैं बड़े बड़े, उस हिसाब से इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। धन्यवाद। इस घटना में किसी को कोई नुकसान वगैरह या किसी को नुकसान नहीं हुआ? ये तो काफी अच्छा था कि सभासद हमारे काफी सक्रिय थे, समय रहते हुए उन्होंने सारी चीजें पूर्ण रूप से सुचारू करा दी, विद्युत को बंद करा के और फायर ब्रिगेड को बुला के चीजों को।